हेलो एवरीवन, गर्मियां आ गई हैं और गर्मियों के साथ कुछ स्किन प्रॉब्लम भी हमें दिखाई देती है, जैसे गर्मी की वजह से चिपचिपापन होना, पसीने की बदबू आना, नहाने के बाद भी फ्रेशनेस नहीं लगना। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक ये बॉडी पैक का वीडियो बनाया जाए। तो ये बॉडी पैक कुछ नया बॉडी पैक नहीं, ये वही बॉडी पैक है जो हमारी दादी नानियों के टाइम से यूज हो रहा है। कई लेडीज इसे अभी भी यूज करती हैं और ये न्यूज़पेपर, यूट्यूबर सब इसके बारे में जानते हैं, डालते हैं। लेकिन ये वीडियो बनाने का पर्पज ये है कि मैं अपना तरीका आपको दिखाऊं कि मैं इसे कैसे यूज करती हूँ, आप इसे यूज करें गर्मियों के राहत पाने के लिए। इससे आपको गर्मियों से राहत तो मिलेगी, आपकी स्किन ग्लो होगी। हाँ, लेकिन ये कोई इंस्टेंट फॉर्मूला नहीं है, आप इसको रेगुलर यूज करेंगे तो आपको जरूर आपकी स्किन में डिफरेंस दिखेगा। लेकिन इस पे मैं आपको इसको लगा के भी दिखाऊंगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे कि हाँ ये कोई फेयरनेस वाला फॉर्मूला, तो ऐसा कुछ भी नहीं है और मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस भी नहीं है कि हाँ ये पैक लगाइए और आप गोरे हो जाइए वाला नहीं है। ये बस आपको समर से आपकी स्किन प्रॉब्लम से घरेलू तरीके से आप कैसे घरेलू तरीके यूज करके आप कैसे इसको उपयोग में ला सकते हैं, ये पर्पस है मेरा बनाने का। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसके लिए मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज कर रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया है ये चिकपी फ्लावर, जो अपन बेसन का आटा भी बोल सकते हैं। ये बेसन का आटा बड़े मैंने 2 चम्मच लिया है। आप अपने अकॉर्डिंगली आपको कितना यूज लगता है, क्योंकि हम इसे पूरे बॉडी में लगाने वाले हैं, तो उसके हिसाब से आप थोड़ा ज्यादा लीजिए। इस पे मैं डालूंगी टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी का पाउडर, ये मैंने इतना लिया है, 1 चम्मच लगभग। इस पे मैं डालूंगी थोड़ा सा चंदन का पाउडर, चंदन का पाउडर से हमें खुशबू अच्छी मिलती करके ये मैं 1 चम्मच डाल दी। ये इसलिए मैं डाल रही हूँ ताकि हमें गर्मी में होने वाली स्मेल से हमें राहत मिले। ये मैंने आधा लेमन लिया, ये लेमन अच्छा बड़ा है, इसको मैं इसमें स्क्वीज कर दूंगी। इसको अच्छे से आप स्क्वीज कर लीजिए। और इस पे मैं डालूंगी थोड़ा सा शहद। आप कोई से भी ब्रांड का शहद यूज कर सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा और शहद डालूंगी, शहद 1 से 1.5 चम्मच अच्छे से। थोड़ा अच्छे से मैंने इसमें शहद डाला है, 1 से 1.5 चम्मच। क्वांटिटी आप थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं, कुछ आप एकदम रिजिड नहीं हो सकते कि हाँ इतना ही डालना है, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। ये हमारा घरेलू तरीका है ये करने का। सारी चीजें हमारी घर पे अवेलेबल होती हैं। हो सकता है चंदन पाउडर आपके पास ना हो तो वो आप खरीद लीजिए, मार्केट में इजीली मिल जाता है वो पाउडर, कहीं भी आपको कॉस्मेटिक की शॉप में मिल जाएगा। अब इसमें मैं लूंगी कर्ड, कर्ड में मैं इसे मिक्स करने वाली हूँ। इसमें भी आपको कोई वो करने की जरूरत नहीं है कि खट्टा ही कर्ड चाहिए, मीठा कोई सा भी आप अपने पसंद का कर्ड इसमें मिलाइए। और इसका हमें थिक पेस्ट बनाना है, थिन पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा सा थिक होना चाहिए। तो इसको मैं ऐसे मिक्स कर लूंगी, अच्छे से आप इसे मिक्स कर लीजिए। और आपको ये पूरी बॉडी में लगाना है, और बॉडी इंक्लूडिंग अंडर आर्म्स में भी आप लगाइए। अंडर आर्म्स में लगाने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अंडर आर्म्स में आप नहाएंगे उसके बाद भी गर्मी के दिनों में स्पेशली स्मेल बहुत आती है। आप चाहे डीओ वगैरह, अगर आप ये डीओ लगाते हैं, अगर आप ये वाला पैक अगर आप लगाते हैं वीक में 2 बार, तो आपको डिओड्रेंट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको लगाने से आपके बॉडी में अच्छी स्मेल अपने आप ही आ जाएगी, आपको अलग से परफ्यूम वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने इसमें चंदन पाउडर मिलाया है, और इसमें आप गुलाब जल भी मिला लीजिए। मेरा गुलाब जल खत्म हो गया इसलिए मैंने नहीं मिलाया, अदरवाइज मैं मिलाती हूँ, और उससे भी आपको अच्छी खुशबू और फ्रेग्रेंस मिलेगी अपनी बॉडी से। तो ये आप वीक में 2 बार आप इसे यूज कर सकते हैं। और अगर आपको मॉर्निंग में जो लेडीज होती है घर पे काम ज्यादा होता है, सुबह के टाइम ही ज्यादा काम होता है, अगर आप सुबह ये नहीं कर पाती हैं तो आप इसे रात में या शाम को भी कर सकती हैं। शाम को नहाने के पहले आपने ये लगा लिया और लगाने के बाद नहा लिया तो भी चल जाएगा, क्योंकि गर्मी के टाइम में यूजुअली लोग 2 बार नहाते ही हैं, और सुबह का टाइम आपका बच जाएगा और आपकी स्किन केयर भी हो जाएगी। तो ये ऐसा पेस्ट हमारा रेडी हो रहा है। अगर आपको हल्दी ज्यादा लग रही हो तो आप थोड़ा कम कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने थोड़ी ज्यादा डाल दी है हल्दी। तो ऐसा आपका ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कैसे थोड़ी थिक है, और हमें ऐसा ही चाहिए, हमें एकदम थिन पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा थिक पेस्ट बनाना है। तो ये मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है।
अब मैं इसको आपको एक हाथ में लगा के दिखाऊंगी कि आप इसे यूज कैसे करेंगे। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पूरे बॉडी में लगाना है फिर सुखाना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको इसको नहाने के पहले लगाना है, पूरे बॉडी में आप लगा लीजिए और हल्का सा मसाज जैसा आपको करना है। फिर वो ज्यादा स्टिकी जहां लगने लगे, जहां सूखा सूखा सा लगने लगे, ऐसा 5 मिनट में हो जाता है। उसके बाद आप पूरा बॉडी को, आप या तो शावर लेना चाहे तो आप शावर ले सकते हैं, या आप नॉर्मल बाथ जैसा लेते हैं आप वैसा ले लीजिए, और ये आपका बिल्कुल काम कर जाएगा। आपको फ्रेश स्मूथ ओडर फ्री बॉडी मिल जाएगी। तो ये मैं थोड़ा सा ऐसा हाथ में ले रही हूं और ये मैं अपने हाथ में दिखा रही हूं लगा के। आपको ऐसे ही थोड़ा सा थिक लगाना है। ऐसी, और आपको मसाज भी ज्यादा रगड़ के मसाज नहीं करना है, इससे आपकी स्किन खराब हो जाएगी। आपको हल्के हल्के ही मसाज करना है और आप वीक में इसे 2 बार ही यूज करें, उससे ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है। ऐसे करके हल्के से पूरे बॉडी में ऐसे आप हल्का हल्का मसाज दे दीजिए। और थोड़ी देर या रुक जाइए, 5 मिनट्स रुक जाइए, पूरा ड्राई करने की जरूरत नहीं है, और आप इसको वॉश कर लीजिए। और अगर आपको सुबह लगाना है और ऐसा लग रहा है कि सुबह कौन इतना घोलेगा ये सब करेगा, तो आप इसका पैक रात को ही बना सकते हैं। लेकिन जब आप रात को अगर ये पैक बना रहे हैं तो उसमें आप पूरा दही ना डाल के थोड़ा दही और थोड़ा दूध डाल लीजिए और मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके सारे इंग्रेडिएंट्स आप मिक्स करके रात को रख दीजिए और सुबह आप उसे यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप रात को नहाने के टाइम आप यूज कर सकते हैं। जब आप इसे यूज कर रहे हो तो ये यूज करने के बाद आप साबुन बिल्कुल ना लगाएं बॉडी पे, आपकी स्किन ड्राई हो जाएगी, फटी फटी सी लगेगी। इसलिए बस ये साबुन की जगह और साबुन की तरह ही आपको यूज करना है, और उसके बाद आपको ये वॉश कर लेना है। ये इतना काफी, इतने देर आपने रब किया जो मैं दिखा रही हूँ, ये हो गया। अब मैं आपको ये वॉश करके दिखाती हूँ कि ये आपके स्किन पे कैसे असर करता तो है। तो मैंने वॉश कर लिया है। वॉश करके मैं आपको अपने हैंड्स दिखाती हूँ, आपको वैसे ज्यादा फर्क लगेगा नहीं इसमें, बट ये घरेलू उपाय है तो इसको वर्क करने में टाइम लगता है। ये समर के लिए अच्छा है। आप इसको वीकली अगर आप ऐसा यूज करते रहेंगे तो आपको लॉन्ग टाइम में आपको जरूर अपने स्किन में फर्क नजर आएगा। अभी आपको उतना कोई फर्क नजर नहीं आएगा, जैसा जैसी स्किन थी आपको एज इट इज ही लग रही होगी, क्योंकि ये मैंने जैसे बताया कोई इंस्टेंट वाइटनिंग वाला कोई फॉर्मूला नहीं है ये। हाँ, बट आप हमेशा यूज करते हैं या आप अपने बच्चे पे यूज करते हैं तो आपको स्किन के कलर में भी फर्क नजर आएगा, लेकिन ये आपको एकदम इंस्टेंट गोरा करने वाला कोई फॉर्मूला नहीं है। तो ये आज का मेरा वीडियो हो गया है। अगर आप ये सॉल्यूशन को, ये पैक को अगर आप यूज करते हैं और आपको कोई फायदा लगता है या आपको लगाने के बाद अच्छा लगता है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक